आज ना छबड़िया नहीं छोड़ो ना, कितनी बार पूछूंगा साले, बताते तो होनी, और तुम कमेंट में पूछ रहे हो तो मैं कौन सा बता देता हूँ, इतना भाव निखाने वाला मैं। ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पूछेंगे फिर वही करेंगे, बस आज तो आखिरी बार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन, तुम में से कितने लोगों ने मेरे गाने सुने हुए हैं? हाँ ठीक है, मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, ताने मारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो पूछा वो पूछ रहा हूँ, बताना बस, अगर सुने हुए हैं तो बताना दूसरे क्वेश्चन का आंसर, नहीं सुने तो जाओ प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट में मिलेगा सॉन्ग का फोल्डर, उसमें मेरे गाने मिलेंगे, तो जाओ सुनो सारे गाने, क्योंकि बहुत ठरकी गाने उनमें से कुछ गाने, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर ठरकी है, कुछ अच्छे भी हैं। और दूसरा क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं हवस का सार, ठरकी लौंडा, शादी के बाद कम फूका कर, CLWL थीम सॉन्ग, या इवन मियाँ खलीफा जैसे सॉन्ग आज की डेट में करूँ तो क्या वो गाने चलेंगे या मैं कैंसिल हो जाऊंगा? जेन्युइन क्वेश्चन है, बताओ। फिर मैं तुम्हें एक ठरकी गाना देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अभी मेरे को किसी ने ट्विटर पे पूछा, किसी यूट्यूबर ने, कि अगर हवस का सार जैसा सॉन्ग अभी मैं निकालूं तो मैं कैंसिल हो जाऊंगा, और मैं वो बंदा हूँ जिसने महेश वाला कल एक्चुअली पहली बार सुना है। मैं कहा अगर ये चल सकता है तो मैं तो इससे भी गंदा लिख सकता हूँ यार। अरे हमने बोलना बंद किया है, लिखना थोड़ी छोड़ा हमने, लिखने पे आएंगे तो ठरकी तो हम आज भी है। वो कहते हैं ना, हमने तलवार बस रखी है, चलानी भूले नहीं अभी भी। ट्रू स्टोरी ब्रो। सो कमेंट करके बताओ, और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि तुम्हें ठरकी गाना देना है कि नहीं देना, वरना फिर ऑफेंड होना ही, पूरा करके दे दूंगा मैं तुम्हें। हाँ तो क्या हुआ है आज? कुछ भी नहीं हुआ है आज। आज कुछ भी नहीं हुआ है, आज सिर्फ एक ही चीज हुई है, बिग बॉस से रिलेटेड और अल्पेश यादव से रिलेटेड। पता नहीं इसमें जो मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है ना, वो पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बात लग रही है, और पार्शियल लगेगी तुम लोगों को, मुझे नहीं। क्योंकि आज था अभिनंदन समारोह अल्पेश यादव का, अपने फैंस को थैंक यू करने के लिए, और भाई साहब वो पूरा स्टेडियम में था, स्टेडियम में भाई साहब 3-4 लाख लोग अवेलेबल थे वहां पे, साला लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है, टिकट लेके बैठवाते थे साले, कम भीड़ तो आती कम से कम, फ्री में रखा, पहुंच गए सब के सब। भाई साहब हीट इतनी हो रखी है, गर्मी इतनी हो रखी है, 5 बजे बोला था 6:30 तक तो अल्पेश नहीं आया। अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं गया भी नहीं था, किसी की वीडियो मिली मुझे भाई। भाई 5 बजे का टाइम था, लेकिन अभी भाई 5:45 होने जा रहे हैं, लेकिन भाई अभी तक तो अल्पेश यादव जो है स्टेज पर तो नहीं आए हैं। मेरे को लगता है कि भाई खट्टर जो CM है हरियाणा के, उनका वेट हो रहा है, उनके साथ आएंगे। और ये क्लिप बजाने के बाद इस बंदे की इतनी मेहनत है, घर छोड़ के उधर तक गया, इसके बाद ये बोलता भाई लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कहीं इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर क्यों नहीं है साला, मैं लाइक के लिए बोलता हूँ तो मेरे को शर्म आती है, और तुम करते भी नहीं बेशर्मों की तरह। इतनी सी क्लिप के लिए बोल रहा लाइक एंड सब्सक्राइब, वैसे मैंने कर दिया क्योंकि मैं क्लिप यूज करने वाला हूँ ना। ट्रू स्टोरी ब्रो। चल झूठा। अब उस समारोह की बहुत सारी क्लिप्स आई है, वीडियो भी आएगी अल्पेश यादव के चैनल पर, जब आएगी तब देख लेंगे। बट भाई साहब कितने लोग आए हैं उस शो पे? अल्पेश यादव तो आया, खट्टर साहब तो आई आए CM हरियाणा के, भाई साहब इतनी सिक्योरिटी एक यूट्यूबर को देख के, भाई साहब मैं कहा इसको इलेक्शन लड़वा दो यार हरियाणा में, कहीं पे भी जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। मेरा तो दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है, मैं नहीं कर सकता वोट, मैंने चेंज नहीं कराया अभी तक। शाबाश बेटा। बी प्राक आया हुआ है, एमसी नहीं, पैराडॉक्स आया हुआ है, छोरे NCR वाले गा रहा कूद कूद के, और लोग शांति से खड़े हैं। मैं कहा काय का सॉन्ग सुन रहे हो बे तुम, अभी इससे अच्छा MC Square को बुला लेते, वो गाता ले ले राम राम, सब पागलों की तरह नाचने लगते कपड़े उतार के। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ साला, कोई भी फेस्टिवल होता है यहाँ पे कुछ लौंडे रहते हैं वो यही गाना बजाते हैं, साला होली हो या दिवाली ले ले राम, अरे नहीं लेनी यार इतनी, कुछ भी। दीपक पैराडॉक्स, प्रिंस नरूला आया हुआ है, प्रिंस नरूला, UK 07 राइडर बाबू वही आए हुए हैं, मेरे वाले नहीं तुम्हारे वाले, साले दोनों ने ब्रोसेना का नाम बदनाम कर रखा है। मैं बता रहा हूँ बाबू भैया के चक्कर में मैंने तुम्हारा नाम चेंज कर दिया है, गमला आर्मी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और जब मैं ये इवेंट की फुटेज देख रहा था, या क्लिप्स जितनी भी आई है मेरे पास अभी तक, ज्यादा नहीं आई है फिलहाल, कल तक बहुत सारी आ जाएंगी, बट जितनी भी क्लिप देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को एक चीज समझ में आती है कि भैया अभिषेक और अल्पेश दोनों में कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, क्योंकि अभिषेक को सपोर्ट करने वाले कौन है? मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनका उतना ज्यादा रीच नहीं है, या उसका बड़ा भाई या उसकी फैमिली। अल्पेश यादव के पास बड़े से बड़ा क्रिएटर था, सौरभ जोशी, चटपर प्रभजोत, UK 07 राइडर, और कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स है। और क्रिएटर छोड़ो, जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में प्रिंस नरूला, पैराडॉक्स, MC Square, बादशाह, वो उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। और वो भी छोड़ो,
जो बीजेपी का पता नहीं स्पोक पर्सन है तेजपाल करके वो आया हुआ है, स्मृति ईरानी कहती है एलविश यादव वहां क्या कर रहा है, अभी हरियाणा का सीएम तुम्हें वेलकम करने के लिए तुम्हारे वेल थैंक यू वाले अभिनंदन शो में आ रहा है, मतलब कोई कंपैरिजन है इसमें? और अगर तुम देखे हो या समझने की कोशिश भी करो तो अभिषेक एक्चुअली यूट्यूब रिप्रेजेंट करके आया है, एलविश यूट्यूब से कई गुना ज्यादा था इस शो में, वो जर्नी 30 दिन की नहीं, वो उसके पहले सालों की मेहनत है, वो यूट्यूब को रिप्रेजेंट जितना कर रहा है उससे ज्यादा वो बाहर कर रहा है भाई। तो मेरी नजरों में तो क्लियर कट विनर अगर बिग बॉस OTT2 का कोई रहा है या है वो अभिषेक है। ठीक है एलविश जीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे लेंगे कि मैं उसे अनडिजर्विंग कह रहा हूं, नहीं, उसका यूट्यूब पे भी बहुत बड़ा योगदान है, बट यूट्यूब के बाहर भी उसकी एक दुनिया है जो ज्यादा है एज कंपेयर टू अभिषेक। तो मेरे को लगता नहीं दोनों में कंपेयर करना कहीं पर भी किसी के लिए भी फेयर होगा, चाहे वो एलविश के हो या अभिषेक का हो, दोनों वर्थी थे। एज अ क्रिएटर मेरे को लगता है अभिषेक ज्यादा डिजर्विंग था, बट एज अ पर्सनैलिटी जो उसके पास है, जो उसने एक्स्ट्रा मेहनत की हुई है, तो उसको मैं डिमीन नहीं कर सकता कहीं से। मतलब अभी देखो ना, अभी लोग, अभी एलविश जीत गया, जो उसके पास था ऑलरेडी वो और बढ़ गया, अब मीडिया पर्सन उसके पास को डिग करने लग गए। अब तुम्हें मालूम है पास्ट में उसकी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, और उनमें से एक थी स्वरा भास्कर को लेके। तो अभी एक आदमी, मतलब एक मीडिया कंपनी ने आर्टिकल छाप दिया कि स्वरा भास्कर क्रिटिसाइज कर रही है किसको, आलिया भट्ट को। क्यों? क्योंकि उसने एलविश यादव को सपोर्ट किया है। और जिस बारे में ये बात हो रही है ना, ये बात 2021 की है, जिसको अब गड़े मुर्दे की तरह उखाड़ा जा रहा है। अरे 2021 में नहीं हो गया था इनका कुछ, GST और CA पता नहीं क्यों जो भी था। मैं एक मिनट, जो पास्ट है वो पास्ट है, दो तीन साल पहले मैं भी तो हरामी बंदी कर रहा था, अब मैं भी बहुत तमीज से बात करता हूँ। और मेरे को ऐसा भी नहीं है कि मैं, वो जीता है या किसी जिस वे से जीता है, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकता हूँ। भैया कुछ तो किया होगा ना उसने कि लोग उससे कनेक्ट हुए हैं। अब वो सही है या गलत, वो देखने का नजरिया है, सबका POV है, पॉइंट ऑफ व्यू को POV बोलना जरूरी है क्या? साले सब यही कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साला टैग करके दिखा रहे आलिया भट्ट, शेम ऑन यू, कि एलविश यादव को तुम सपोर्ट कर रहे हो, जबकि उसने स्वरा भास्करों को पता नहीं क्या क्या बोला हुआ है, वुमन हरासमेंट है ये। साले वुमन कार्ड लेके हमेशा तैयार रहते हो क्या तुम लोग कि कोई बंदा कुछ हुआ नहीं, अरे निकाल बे इतिहास में क्या इसके वुमन कार्ड, साला सुपर पावर हो गया इनका वुमन कार्ड। बात तो सही है बस छोड़ो अपने को, क्या है लोगों को लड़ना है वो लड़ते रहेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब एग्जांपल देता हूँ तुम्हें बेफालतू को लड़ने का, अभिषेक ने कल ट्वीट किया था कि भैया ये बंद कर दो एलविश वर्सेस अभिषेक करना, क्योंकि ये हमेशा से एलविश एंड अभिषेक रहा है पांडा गैंग OP। इसके बाद लोगों ने शुरू क्या कर दिया कि देखो एलविश अभिषेक की इंस्टा स्ट्रीम में आया और लिखा लव यू हार्ट इमोजी, अभिषेक ने इग्नोर कर दिया। एलविश 4 बजे आया इंस्टा पे लाइव, उसके थोड़ी देर बाद जिया शंकर आई, जिया शंकर पे जाके अभिषेक ने कमेंट किया, एलविश पे नहीं किया, जलता है साले। क्लिप है कि एलविश खुद एंजॉय कर रहा था उसकी स्ट्रीम, वो दोनों भाईचारा करे जा रहे, तुम लड़े जा रहे हो, अरे बस करो यार, कोई दे रहा है तुम्हें पैसे? साले तारीफ करने के पैसे नहीं मिलते, बुराई करने के मिल रहे क्या? अच्छा ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट होगा तुम्हारा पक्का, क्योंकि वहीं पे मिल रहे हैं गाली दिखाने के पैसे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके अलावा चल क्या रहा है साइंस, अरे वो तुम्हें मालूम है ना, रशिया भी चांद के साउथ पोल पे जाने वाला था, तो हम पहली बार गए तो फ्लॉप हो गया था, टूट रोवर कनेक्ट नहीं हुआ था, अभी रशिया के साथ भी सेम चीज होगी उनका भी क्रैश हो गया जो चंद्रयान 2 के साथ हुआ है। सो अगर अब चंद्रयान 3 का रोवर सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो वर्ल्ड का पहला ऐसा सॉफ्ट लैंडिंग होगा चांद के साउथ पोल की साइड में, और दुनिया का 4th सक्सेसफुल लैंडिंग होगा चांद के सरफेस पे। समझ रहे हो इसरो रॉक्स, आज पहननी थी मुझे इसरो की टी शर्ट यार, आज ही नहीं पहनी मैंने। अरे यार मैंने नया ब्लेड निकाला है इतनी सी दाढ़ी से पढ़ने के लिए, तो साला 2 बार कहा मैंने, एक बार में 4 जगह कटा, दूसरी बार में 5 जगह कटा, और यहाँ पर कट गया तो पूरा खूनम खून हो गया था साले, मेरी 2 टी शर्ट खूनम खून हो चुकी है। मैं कहा धीरे धीरे करेंगे, ठीक है तो बस आज के लिए इतने ही है, सॉरी मैं कल लेट हो गया था, अरे कल वीडियो करते करते लेट हो गया, आज भी हो जाऊंगा, बट आज मैं आऊँगा, आज 10:30 बजे तक वहाँ पे आऊँगा पक्का 100%, ठीक है आज गोली नहीं दूंगा तो लाइक करो और मिलते हैं, पीस आउट। और जिनको नहीं मालूम मैं कहाँ लाइव करता हूँ, मेरा 2nd चैनल है अभिषेक आनंद, चैनल वाली लिस्ट में चेक करो, चैनल ओपन करके ये वाला तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है अब लाइक करो, पीस आउट, मिलते हैं।